सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनसी यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करेंगे कनाडा की कुछ जॉब के बारे में जो कि मेरे पास अभी फिलहाल है। वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारे जॉब हैं, पर मैं इन तीन जॉब पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो उनसे काफ़ी ज़्यादा ये जॉब रिलेटेड है, तो इसलिए इन जॉब के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ क्यूबेक के पीएनबी प्रोग्राम के बारे में भी आज के वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम जॉब के बारे में बात करें देन कनाडा में जैसे कि जॉब लेना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, खास करके जब हम इंडिया से अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वही कोशिश मैं कर रहा हूँ। अपने जो वेबसाइट है bncuniverse.co.in इसके माध्यम से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी वेरीफाइड जॉब्स हों जो कि cic.gc.ca में होती हैं, तो वो वेरीफाइड जॉब्स मैं अपने जॉब पोर्टल में पोस्ट करूँ और आपको वो जॉब्स मिल जाए और आपको कोई वेरीफाइड जॉब्स की सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो कोशिश मैं कर रहा हूँ। और इस कोशिश में मेरे पास कुछ जॉब हैं, जैसे कि एक है डिलीवरी ड्राइवर की जॉब जिसमें आपको $20 प्रति घंटे मिल सकते हैं और आप ये जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन है 12th, और अगर कोई डिप्लोमा कर रखा है देन ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन बेझिझक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत तो है बट IELTS के कोई स्कोर इसमें मांगे नहीं गए हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको एक इंटरव्यू देना पड़े और इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर लेते हैं देन यहाँ पे आपको ये जॉब मिल सकती है। ईमेल आईडी जो एम्प्लॉयर का है वो मेरे वेबसाइट में ऑलरेडी दिया गया है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वो आप चेक कर सकते हैं और आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर दूसरे जॉब के बारे में यहाँ पे हम बात करें देन दूसरा जो जॉब है यहाँ पे वो वेल्डर के लिए है, तो काफ़ी सारे जो ITI के वेल्डर जो मेरे साथ ऑलरेडी संपर्क में है वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज मांगा तो गया है बट कोई बैंड नहीं मांगा गया है, और इसमें भी अगर आप 12th हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास NCVT सर्टिफिकेट है, ITI जो लोग कर चुके हैं वेल्डर का, वो लोगों के पास अगर NCVT सर्टिफिकेट है देन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा और आप इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ा सा काम कीजिए और इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो एक जॉब है जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब एक्साइटेड होंगे क्योंकि ये जो जॉब है अकाउंटिंग क्लर्क की है, जो अकाउंटिंग क्लर्क जो जॉब होता है वो कैसा है कि अपने कॉमर्स के स्टूडेंट भी ट्राई करते हैं, साथ ही साथ आर्ट्स के स्टूडेंट भी कई बार ट्राई कर लेते हैं जो लोग टैली कर चुके होते हैं, तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ जो लोग ऑलरेडी कनाडा में पढ़ रहे हैं और उनको जॉब चाहिए वो लोग भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए भी आपको जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें लिंक दे दी जाएगी, आप जाके वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मेरी वेबसाइट में जाके अकाउंटिंग क्लर्क लिख सकते हैं तो भी आपको ये जॉब मिल जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे भी काफ़ी कम क्राइटेरिया मांगा गया है, क्वालिफिकेशन भी 12th ही मांगी गई है और साथ ही साथ यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वैसे तो 2 साल का नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे 7 मंथ एंड अबव का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो अगर आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस हो देन उससे चल जाता है, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 साल का एक्सपीरियंस हो देन यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। हाँ, अगर आप कनाडा में ऑलरेडी सेटल्ड हैं और यहाँ पे वहाँ पे एजुकेशन ले चुके हैं और फिर अप्लाई कर रहे हैं देन 7 मंथ का एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पे काम कर जाएगा और आपके लिए काफ़ी आसानी से जॉब मिल भी सकती है। तो ये 3 जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पे खबर आ रही है वो ये है कि अगर आप क्यूबेक के लिए अप्लाई करना चाहते थे देन सितंबर महीना जो कि और कुछ ही दिन रह गए हैं, सितंबर महीने में PNP खुलने वाला है क्यूबेक का, काफ़ी सारे यहाँ पे NOC डिक्लेयर होने वाले हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्यूबेक के लिए। सो ये था आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहें। और मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो जॉब्स आ रहे हैं मेरे पास उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता दूँ, क्योंकि कई सारे लोगों को मेरी जो वेबसाइट है क्योंकि वो इंग्लिश में होती है तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हर डिटेल जो है वो अपने इस वीडियो के माध्यम से बता सकूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक सारे वीडियोस पहुँचते रहें। सो दिस इज़ विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।